अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कर्नाटक का इलेक्शन रिजल्ट्स आ चुके हैं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कांग्रेस को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। टोटल 224 सीट थे जिसमें से गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कांग्रेस को चाहिए थे 113 सीट। ऑफिशियल डेटा आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कांग्रेस 136 सीट से आगे चल रही है। इलेक्शन रिजल्ट से मुतालिक बैरिस्टर अवेसी का भी एक रीट्वीट आया, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा है कि हिजाब बैन करने वाले मिनिस्टर बीसी नागेश 16,000 वोटों से हार चुके हैं। और एआईएमआईएम के स्पोक पर्सन वारिस पठान ने भी इससे मुतालिक ट्वीट किया। और यह है कनीज फातिमा, यह गुलबर्गा से इलेक्शन लड़ी थी, इनको भी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रही थी उस वक्त भी ये हिजाब पहनकर इलेक्शन कैंपेन कर रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी पब्लिक इनको सुनने के लिए आ रही थी। जैसे ही रिजल्ट सामने आया ये जीत चुके हैं, उसके बाद में इनके बस्ती के नौजवान किस तरह से खुशियां मना रहे थे यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। और इलेक्शन से पहले इस खातून का वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनका बेटा कनाडा से आया था बीजेपी को वोट डालने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कर्नाटका में काफी सारी रैलीज की थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनकी हवा नहीं चल पाई। कांग्रेस ने पब्लिक के मुद्दे उठाए थे, यही नहीं एजुकेशन के ऊपर भी बात की थी। इलेक्शन रैली के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने केरला स्टोरी के बारे में बात की थी, लेकिन उससे मुतालिक कांग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया था। जितना हो सके कांग्रेस रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर बात करने से बच रही थी, लेकिन आखिर में आते आते इन लोगों ने बजरंग दल को बैन करने की बात कर दी थी, जिसके बाद कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे थे इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, लेकिन अभी इलेक्शन जीतने के बाद राहुल गांधी का क्या कहना है आप लोग यहां पर सुन सकते हैं। सबसे पहले मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को, और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। तेलंगाना के मिनिस्टर केटीआर का भी ट्वीट आया, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद दी और साथ ही साथ कर्नाटका के लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। इस इलेक्शन रिजल्ट के साथ साउथ इंडिया के तमाम स्टेट्स में बीजेपी का सफाया हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोग क्या राय इस मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।